श्री बांके बिहारी लाल की जय। नारायणम नमस्कृत्यम नरम चैव नरोत्तमम् देवीम सरस्वतीम व्यासम ततो जयमुदीरये। सभी भक्तजनों को सादर जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। आप सभी लोगों को तो ज्ञात होगा, सभी लोग कुछ लोग संशय में भी हैं कि कार्तिक कब से प्रारंभ होगा, क्या होगा, कैसे होगा। 1 नवंबर से कार्तिक प्रारंभ हो जाएगा, लेकिन अपने सनातन धर्म में हिंदू पंचांग के अनुसार कहा गया है कि जो पूर्णिमा है शरद पूर्णिमा से लेकर कार्तिक पूर्णिमा के बीच का जो दिन होते हैं वह हमारे कार्तिक मास में गिने जाते हैं। तो पूर्णिमा से पूर्णिमा तक ही महीना माना जाता है। तो हमारा वैसे तो 1 नवंबर से प्रारंभ, लेकिन यहाँ पर शरद पूर्णिमा 31 अक्टूबर की है, तो इसलिए 31 तारीख से लेकर और चलने वाला जो है यह समय कार्तिक पूर्णिमा, इसमें आप सब लोग बड़े ही श्रद्धा भाव के साथ भगवान का पूजन करेंगे। तो कुछ लोग सोच रहे हैं कि हमें करना क्या चाहिए, कैसे करें, क्या करें, कहाँ जाएं। कुछ विधियां हैं जो बड़े ही सुंदर हैं और आप सब लोग कर सकते हैं, उनको कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। जैसे लोग पूछते हैं कि महाराज श्री कि जैसे हम कहाँ जाएं, हम कहीं हमारे आसपास नदी तालाब इत्यादि नहीं है या जलाशय कहीं नहीं, हम कहाँ पर जाएं स्नान करने के लिए। तो मैं उन लोगों से यही कहूँगा कि आप सभी लोग सच्चे मन से, आप सब लोग अपने घर में रहकर अपने ही स्थान पर माँ गंगा का स्मरण करके जब भी स्नान करने जाएं तो गंगा 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 कहकर आप हर हर गंगे कर कर जब स्नान करेंगे तो वह भी आपको गंगा जी में स्नान करने का पुण्य आपको फल प्राप्त होगा। इसलिए आप मन में विचार ना करें कि हम जलाशय में नहीं जा पा रहे हैं। जिन लोगों के पास सुविधा है, जिन लोगों के आसपास हैं जलाशय, वह तो जरूर जाएं, अवश्य जाएं। लेकिन जिन लोगों के आसपास जलाशय नहीं है वह लोग खेद ना करें, वह लोग अपने घर में ही रहकर भगवान का सच्चे मन से स्मरण करके आप सभी लोग स्नान घर में करें गंगा माँ का स्मरण करके। यह कार्तिक का महीना भगवान विष्णु को अति प्रिय है और इस महीने में अनंत त्यौहार आते हैं। अभी पूर्णिमा से लेकर अगली पूर्णिमा तक जो बीच के अंतराल है इसमें कई सारे, अब शरद पूर्णिमा, उसके बाद देव उठानी एकादशी, उसके उपरांत फिर नरक चतुर्दशी त्रयोदशी इत्यादि, फिर दीपावली, उसके उपरांत फिर और भी अन्य त्यौहार इस कार्तिक महीने में है। तो आप सब लोग इनका आनंद लेते हुए नित्य प्रतिदिन इस महीने में विशेष करके कहा गया है कि चातुर्मास को जो पूर्ण हो जाता है, अब यहाँ पर प्रारंभ हो जाता है आपको बड़े ही सुंदर भगवान का स्मरण करने का मौका। अब इस महीने में आप सब लोग भगवान का स्मरण कर सकते हैं। छोटा सा भी अगर आप पूजन भजन पाठ इत्यादि करेंगे तो उसका बहुत बड़ा लाभ प्राप्त होगा। तो इस महीने आप किया जाने वाला कोई भी कार्य है वह आपको अनंत गुना फल देने वाला है। इसमें विशेष करके आप सब लोग ध्यान करके रखें कुछ बातों को कि भगवान जो है श्री कृष्ण का पूजन करना है तो किस रूप में आपको पूजन करना है। वह उखल में बंधे हुए भगवान जो होते हैं भगवान श्री कृष्ण, उन छवि का स्मरण करते हुए, उन छवि का स्मरण करके उनको अपने हृदय में विराजमान करके उनका पूजन करें। और कार्तिक महीने में किए जाने वाले कार्य, कार्तिक मास में जो है जो व्रत रहते हैं, जो नियम संयम से रहते हैं, तो उनको चाहिए कि लहसुन प्याज बैंगन इत्यादियों का सेवन ना करें। और फर्श पर सोना चाहिए उनको जो है, ज़मीन में सोना चाहिए, बेड इत्यादि का यूज नहीं करना चाहिए। व्रत
ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए, प्रातःकालीन ही उठना चाहिए, 6 बजे 8 बजे 10 बजे ये कोई वो नहीं है। इस महीने में विशेष करके आप प्रातःकालीन उठें, उससे आपके शरीर की जितनी भी बीमारियां होंगी वह भी सब दूर हो जाएंगी, इसलिए आप प्रातःकालीन जल्दी उठें, आलस्य का त्याग करें। इस महीने में ब्रह्मचर्य का पालन करें, जो पति पत्नी इत्यादि हैं और जो भी हैं सब व्रत करने वाले वह विशेष करके ब्रह्मचर्य का पालन करें। नित्य निरंतर, सबसे बड़ी बात है नित्य निरंतर आप जो है तुलसा जी का घी, तुलसा जी के सामने जो है घी का दीपक जलाएं और नित्य परिक्रमा करें, 2, 5, 7, 11, 21, 51, 108 जो भी आपकी श्रद्धा हो आप वह परिक्रमा करें, माँ का पूजन करें और सभी प्रकार का पूजन कर सकते हैं। विशेष करके ध्यान करें कि जो है दाल का उपयोग ना करें, मसूर उड़द इत्यादि दालों का उपयोग ना करें और भगवान का स्मरण करें। यह आप सब लोगों को जानकारी देने का प्रयत्न किया, आप सभी लोग श्रवण किए हैं या आप लोग नहीं किए हैं, स्किप किए हैं वीडियो को, तो कोई बात नहीं, आप जैसा भी उचित समझते हैं। अगर अच्छी लगे तो आप अन्य लोगों तक भी पहुंचाएं इस वीडियो को, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस समय का लाभ उठा पाएँ। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा।